नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूँ आपके साथ भारती दुबे। आज मैं आपको बताऊंगी देश और दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर महेंद्रगढ़ में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान एक गांव को तहसील का दर्जा देने पर दूसरे गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। सारे जहां से अच्छा लिखने वाले पाकिस्तान के राष्ट्र कवि मोहम्मद इकबाल से जुड़ा एक अध्याय डीयू के सिलेबस से होगा आउट। मुंबई से आए लड़के ने पत्थर से कुचलकर कर दी महिला की हत्या, उसके बाद नोच नोच कर खा गया चेहरे का मांस। पहलवानों के समर्थन में बोले स्वामी रामदेव, कुश्ती संघ का मुखिया रोज बहन बेटियों के बारे में बकवास करता है, ब्रजभूषण को तुरंत अरेस्ट किया जाए। दिल्ली NCR में हुई तेज बरसात, शहर हुए जलमग्न। सिनेमाघरों में फिर होगा अशरफ अली और तारा सिंह का सामना, गदर का नया ट्रेलर दर्शकों के कर देगा रोंगटे खड़े। 1 लाख के स्तर तक पहुंचेगा सेंसेक्स, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के हेड क्रिस वुड ने किया दावा। IPL 2023 का फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गत चैंपियन गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। इस फाइनल मैच के बाद चैंपियन टीम और उपविजेता को करोड़ों रुपए मिलेंगे। इसके अलावा बहुत से अवार्ड भी दिए जाएंगे। फाइनल हारने वाली टीम को भी मिलेंगे करोड़ों। एक थाली लो एक मुफ्त, लालच में आकर महिला ने किया फेसबुक लिंक पर क्लिक, उड़ गए 90,000। मामला भारत की राजधानी दिल्ली का। बिहार के गया में हुआ हादसा, शादी में दुल्हन जैसे ही डालने जा रही थी दूल्हे के गले में वरमाला, अचानक छज्जा गिरने से मच गई चीख पुकार। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पाइनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।